हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में भाजपा के प्रभारी के सामने विरोध, जालम सिंह रावलोत पर लगाए गए गंभीर आरोप। भारतीय जनता पार्टी की नब्ज टटोलने के लिए जनता के बीच पहुंचे भाजपा के बड़े नेताओं को उनके ही कार्यकर्ताओं की वजह से विरोध के स्वर से रूबरू होना पड़ रहा है। बाड़मेर में विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों को तलाशने आए बाड़मेर प्रभारी को भाजपा के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बाड़मेर प्रभारी को खरी खोटी सुनाई। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में संभावित प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलना शुरू कर दिया है। गुरुवार की रोज बाड़मेर में भाजपा की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के केंद्रीय संगठन महामंत्री और वी सतीश बाड़मेर पहुंचे, लेकिन भाजपा की इस बैठक से पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला अध्यक्ष जालम सिंह रावलोत पर गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र पर चलने वाले एक परिवार के एक अधिकारी सदस्य को परेशान करने के साथ उसका स्थानांतरण करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष जालू राम बेनीवाल ने बाड़मेर प्रभारी महेंद्र सिंह राठौड़ के सामने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि भाजपा में अब कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसे में आगामी चुनावों में किसान भाजपा के लोगों को गांवों में घुसने नहीं देंगे। एक तरफ जहां राज्य भर में भाजपा को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ शांत इलाका कहे जाने वाले बाड़मेर में भी भाजपा को अपनों के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि उम्मीदवारों की तलाश में ही विरोध की रार यकीनन भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।